शासकीय महाविद्यालय कोराहल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्व प्रिंसिपल चार्ज मनोरमा सिंह जी द्वारा बताया गया कि पहले जो मेरे कार्यकाल सुचारू रूप से चल रहा था, अब वह बिगड़ चुका है। पिछले कुछ महीने से कॉलेज में रेगुलर क्लासेस भी नहीं लगती है, बच्चों को भी नहीं बुलाया जाता, किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था, क्लास में भी बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की लाइब्रेरी भी नहीं है। मनोरमा सिंह द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये व्यवस्था पूर्ण रूप से निभाई। मुझे गलत तरीके से आरोप लगाकर चार्ज ले लिया गया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज ओम शिव महाविद्यालय के प्रिंसिपल अपने बच्चों को कॉलेज में नकल करवाते थे। मेरे द्वारा रुकने पर बच्चों से ही मेरी शिकायत करवाई और मुझे चार्ज लेकर सुनील शर्मा जी को चार्ज दे दिया गया। नवनियुक्त प्रिंसिपल चार्ज प्रोफेसर सुनील शर्मा जी द्वारा बताया गया कि हमारे महाविद्यालय में बच्चों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, क्लासेस भी लगाई जाती है और बच्चों को भी बुलाया जाता है, लेकिन महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा ये बताया गया है कि महाविद्यालय में क्लास सुचारू रूप से नहीं चलती और हमारी पढ़ाई के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारी क्लासों में गंदगी पड़ी रहती है और हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमें सिर्फ किसी का फॉर्म भरने के लिए बुलवाया जाता है, उसके अतिरिक्त हमें कोई कॉल नहीं आता। टीचर भी आते हैं कभी कभी तो वो भी नहीं पढ़ाते। हमारे महाविद्यालय में ना तो पानी है और ना ही कोई सुविधा है, ना ही यहाँ पर लाइब्रेरी है। संवाददाता धीरज सिंह परिहार की रिपोर्ट। मैम, आपको बतौर प्रिंसिपल चार्ज थी कुछ समय पहले, आपको क्यों प्रिंसिपल चार्ज आपसे वापस लेकर किसी अन्य को दे दिया गया? ये तो लीड कॉलेज के प्राचार्य ही बता सकते हैं। मैं चार्ज पर थी तो उस टाइम पे मेरा कार्यकाल देखा जा सकता है, यहाँ के क्षेत्र के लोग और बच्चे लोग बता सकते हैं कि मेरा कार्यकाल कितना अच्छा रहा है। बावजूद इसके इन्होंने एक बच्चे ये है शुभम मुदगल, इसके द्वारा नकल प्रकरण जैसे चलते रहते हैं यहाँ पर, तो मैंने नकल परीक्षा हुई थी, नकल रोकने की कोशिश की गई थी, उसी में एक ओम शिव महाविद्यालय है यहाँ पर, वहाँ के आउटसाइडर मतलब वो लोग नकल करवाते हैं, इसके एवज में सुना है कुछ पैसा ऐसा लेते हैं, तो उसी को लेकर मैंने कुछ नकल प्रकरण के विद्यार्थियों को पकड़ा था और उन्हीं बच्चों से मेरी शिकायत करवाई गई थी और मतलब गलत आधार के मुझे हटा दिया गया। कॉलेज की अन्य चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर हुआ है, कंप्यूटर हुआ है, कोई भी व्यवस्था महाविद्यालय में नहीं है और बार बार मैं लीड कॉलेज के प्राचार्य से इस चीज़ के लिए डिमांड करती हूँ, तो बस उन्होंने एक राजनीतिक माहौल बना करके मुझे प्राचार्य पद से हटा दिया। पर ये मैम, ये किसी अपने घर से तो कोई देता नहीं है, ये तो उसके ऊपर से फंड आता है, फिर इसको किस प्रकार रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? ये तो सारी कुछ सारे डीडीओ पावर एसडी राठौर प्राचार्य के पास है, तो हम लोग तो सिर्फ प्रभारी प्राचार्य के तौर पर उन्होंने हमको बस कार्यकाल दे दिया कि आपको कॉलेज की व्यवस्थाएं देनी है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या, मुझे कोई पैसे ऐसे हमको नहीं देते, तो व्यवस्थाएं कैसे प्रॉपर चलेंगी? कॉलेज के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, फर्नीचर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, विद्यार्थियों को बैठने के लिए फर्नीचर इत्यादि नहीं है, तो डीडीओ वो पैसा देने के तैयार नहीं होते हैं, सामान देने को तैयार नहीं होते, तो इस वजह से कॉलेज की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। अभी हाल ही में प्रिंसिपल का चार्ज किसे दिया गया? ये सुनील शर्मा जी को दिया गया है जो शोपुर से पर डे अप डाउन करते हैं। मैम, मुझे बताया गया है, मुझे जानकारी है कि प्राचार्य को परमानेंट विद्यालय या महाविद्यालय पर उपस्थित रहना होता है, अगर मान लो किसी कारण अगर वो नहीं आते हैं, लेट होते हैं, तो ये भी एक समस्या बनती है। तो प्रचार का एक दायित्व होता है, उसमें उनको उनको ले आनी अपने महाविद्यालय पर रहना होता है किसी भी वजह से, तो वो क्यों नहीं ऐसा कर पाएगा और आप इसके लिए क्यों नहीं बोलते? मैम, वो इसके लिए तो आपको चूँकि वो जिस तरीके से राजनीति करके चार्ज दिया गया है, राजनीति करके प्राचार्य को बनाया गया है, तो इसका जवाब तो एस डी राठौर साहब ही बेहतर दे पाएंगे। हाँ, लेकिन जो आपने भी सवाल किया है कि उन्हें मुख्यालय पर रहना चाहिए जो भी प्राचार्य हैं, बिल्कुल सही है ना, इससे महाविद्यालय की क्लासेस और अन्य चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो अभी जैसे कि आपको बता रहे थे कि जैसे राजनीति के कारण, राजनीति का शिकार करके आपको प्रिंसिपल चार्ज से हटा दिया गया है, तो यह राजनीति कौन कर रहा है? वही जिनको मतलब मुझसे परेशानी हो, है ना, वो क्षेत्र का विकास नहीं करना चाहते हैं, कॉलेज के जो फंडिंग अंडिंग आती है उन सब से बचने के लिए की जा रही है सारी चीज़ें। मैम, बाकी आप उनको सर को जो सर अभी उनको चार्ज दिया गया, क्या उनको फंडिंग नहीं दी जाएगी क्या? अब इसके लिए तो सब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, इसका जवाब तो वो सुनील शर्मा जिनके पास अभी चार्ज आया है वही बेहतर तरीके से बता पाएंगे या फिर एस डी राठौरी बता पाएंगे। मैम, मुझे ये भी जानकारी है कि जब से कॉलेज प्रारंभ हुआ है 2018 से कोरोना काल को अपन हटा दें, तो उसके बाद विद्यालय में, महाविद्यालय में बच्चों के लिए
पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, मतलब किसी भी दिन मैंने बच्चों को यहाँ पर पढ़ते नहीं देखा कि आज ये रेगुलर कॉलेज चला है, जबकि यह गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर कॉलेज है। नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज रेगुलर कॉलेज है, जब छात्र आते हैं तो हम क्लासेस, अभी तक जैसे मेरे पास जो भी व्यवस्था आप देख रहे हैं तो इन्हीं तरीके से मैं अपनी क्लासेस लगवाती थी, जैसे भी बच्चे आते तो मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चे का अभी तो पर्सनली बोलती थी भैया आकर के आप क्लास लीजिए, है ना। अभी कुछ 2-3 महीने से जरूर हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई है। कितने का स्टाफ है यहाँ पर? 3 परमानेंट स्टाफ है और 6 अतिथि विद्वान हैं। आजकल वो जो अतिथि विद्वान आए हैं उनको जब भी मैं किसी काम के लिए कहती हूँ या पढ़ाने के लिए कहती हूँ, वो उल्टा खुद मेरे ऊपर दोष आरोपण करने लग जाते हैं, मेरी गलत सर पर झूठी शिकायतें कर जाते हैं। मुझे ये बताइए, प्रेजेंट में वो यहीं पर है जो सारा स्टाफ है? प्रेजेंट में सुनील शर्मा जी शोपुर से अप डाउन करते हैं, है ना, जो बताओ प्रिंसिपल हैं, और 2 जैसे मैं हूँ मनोरमा सिंह, है ना, सहायक प्राध्यापक समस्त, और ये है अशोक बरिया हिस्ट्री के सहायक प्राध्यापक है, और रत्नेश परिहार अतिथि विद्वान है, राकेश परिहार अतिथि विद्वान है, और मंगल सिंह झाला भी अतिथि विद्वान है। ये लोग तो यहाँ रहते हैं। एक हमारे यहाँ ग्रंथपाल हैं, कविता लिखती है 2 बार, वो ग्रंथपाल है और वो शोपुर में रहती है, शोपुर से अप डाउन करती है यहाँ। ये पिछले दिनों से कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? अभी कभी भी जो लोग आते हैं कभी भी जाते हैं, इनका कोई कॉन्टेक्ट निर्धारित समय नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपने निर्धारित समय नहीं है, रेगुलर होने के बाद या जब आपके पास प्रिंसिपल चार्ज था तो आपने उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की? जब मेरे पास चार्ज था मैंने प्रॉपर कार्रवाई की, और आप रजिस्टर देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर मेंटेन करके इन लोगों की चलती थी। अभी जो भी समस्याएं आ रही हैं, और चूंकि पहले का स्टाफ भी सभी जो चेंज हुए हैं उसके बाद में अभी 2-3 महीने से ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं, इससे पहले कॉलेज की कभी ऐसी समस्याएं आई नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने सुना है मैम यहाँ पर कंप्यूटर नाम और के नाम से। मेरा नाम प्रोफेसर सुनील शर्मा। सर यहाँ पर देखा जा रहा है तो कई बच्चों को पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे कि या तो कुछ भी व्यवस्थाएं कॉलेज में जैसे सभी कॉलेजों में होती हैं उस प्रकार से कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला है, ऐसा क्यों सर? क्या व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही? व्यवस्था यही कि बच्चों के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कॉलेज में एक सिक्योरिटी टाइप की रहती है जो कि वो भी नहीं है यहाँ पर। तीसरी, अपन माना जाए तो बच्चों की जो क्लासें जो लगती हैं उनको भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता। आपके द्वारा बताया जाता है कि आप चला रहे हैं, पर बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सर ऐसा नहीं, बच्चे आएंगे तो बिल्कुल क्लास लग रही है और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। नहीं बुलाया जाता, बच्चों को बुलाया जा रहा है, हमारे द्वारा कॉल भी किए गए हैं बच्चों को, और बच्चों के साथ ऐसे टाइम टेबल शेयर भी किया गया है, विद्यार्थियों को ग्रुप बनाए गए हैं, उनके ऊपर आप उनके पेरेंट्स मीटिंग लेकर या कुछ अदरवाइज करके उनको क्यों नहीं संज्ञान से समझाते? नहीं, हम बच्चों को व्यक्तिगत कॉल करवाते हैं टीचरों के द्वारा कि आप आओ और आपकी क्लास लग रहे हैं। सर आपने एक बार कॉल किया, 2 बार के नहीं आते हैं तो उनकी पेरेंट्स मीटिंग कराओ, ऐसा तो है ना सर अपने यहाँ पर? जी बिल्कुल, पेरेंट्सों को बुला के अवगत करवा देंगे उनको। सर अभी तक आपने ऐसा नहीं करवाया? सर ये आपको बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं, पेरेंट्स को आप मीटिंग का ऐसा कोई वो निर्देश नहीं है हमारे पास कि अपन पेरेंट्स, मतलब बच्चे नहीं आए, अपन ने पर्सनली कॉल किया, नहीं आए तो नहीं आए तो नहीं आए। नहीं नहीं बिल्कुल, उनको बुलाएंगे इस बार रेगुलर क्लास में। बुलाएंगे सर, वो नहीं आते हैं ना, उनको बुलाएंगे ना बच्चों को, अपन बुलाएंगे। और सर यहाँ पर अपने कंप्यूटर लैब जो दिया गया है वह भी सुचारू रूप से नहीं? नहीं, कंप्यूटर तो अभी है ही नहीं, वो शासन की व्यवस्था है, शासन स्तर से अभी कंप्यूटर वहाँ से सर निकल चुका है, कंप्यूटर लैब यहाँ के लिए मंजूर है। मंजूर है लेकिन अभी तक आया नहीं है ना यहाँ। सर आपने अपने जो मुख्य अधिकारी जो मुख्य चार्जेस हैं आपके बड़े प्रिंसिपल सर जो भी होंगे उनसे आपने बात की है इस बात? नहीं, बात हो गई है और कंप्यूटर की खरीदी चल रही है जेम पोर्टल के द्वारा, ऑनलाइन उसके ऑर्डर भी हो गए हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा, 10 से 15 दिन तक ये सारे कंप्यूटर वगैरह पूरा आ जाएगा। धन्यवाद।